टीम इंडिया विश्व कप 2023 में अब तक अजय है। रविवार को भारत ने नीदरलैंड को 160 रनों से हरा दिया। भारत ने अपनी सभी 9 लीग मुकाबले शानदार ढंग से जीते। बताया कि भारत ने नीदरलैंड को जीत के लिए 411 रनों का लक्ष्य दिया था और नीदरलैंड 250 रन ही बना सकी। बताया कि भारत ने आखिरी लीग मुकाबले में नीदरलैंड पर बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने 410 रन बनाए और बाद में नीदरलैंड को 160 रनों से हराकर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया। कप्तान रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल सभी टॉप 5 बल्लेबाजों ने 50 का आंकड़ा पार किया। श्रेयस और राहुल ने अपना शतक भी पूरा किया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 200 से ज्यादा रनों से शानदार साझेदारी की। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभम गिल ने टीम के लिए 100 रनों की शुरुआती साझेदारी की। विराट कोहली 51 रन बनाकर आउट हुए और सचिन के वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्होंने गेंद से भी कमाल किया और एक विकेट अपने नाम किया। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। विराट और रोहित को 1-1 सफलता मिली। वही टीम इंडिया 15 नवंबर को वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। बताया कि यह मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। भारत का यह विश्व कप में दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है और अंतिम 10 ओवर में भारतीय टीम ने 122 रन जोड़े, जिससे वह दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बाद टूर्नामेंट में 400 रन से ज्यादा का स्कोर बनाने वाली तीसरी टीम बनी। वही भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की है और इस मैच में भी यही सिलसिला जारी रहा। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को अब उस दिन का इंतजार है जब भारत तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते और टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वह ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।